हेलो एवरीवन, तुहाडा सारयां दा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरजी ते। दोस्तों, अज दी वीडियो तुहाडे सारयां लई मोस्ट इंपोर्टेंट होण वाली है, क्योंकि असी अज दी वीडियो विच केमिस्ट्री दे कुछ केमिकल फॉर्मूले यानी कि रसायनिक सूत्र नूं बड़े ही वधिया ट्रिक दे नाल याद करांगे। मैं अज दी वीडियो विच जिन्ने भी केमिकल फॉर्मूले तुहानूं करावांगा उह सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होणगे, क्योंकि इह फॉर्मूले एग्जाम विच बहुत बार रिपीट हो चुके हन। जेकर तुसीं किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिस विच जनरल साइंस पूछी जाए, तो यह वीडियो तुसी वेख सकते हो। यह वीडियो तुहाडे लई काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो के एंड विच तुहाडे लई प्रैक्टिस सैट भी होगा, इसलिए मैं उम्मीद करांगा वीडियो तुसी पूरी वेखोगे तो ध्यान नाल वेखोगे। जेकर तुसी साडे चैनल से फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर लियो जी, ते नाल लगे बैल आइकन नू भी प्रेस करना ता जो तुहानू साडी हरेक वीडियो की नवी नोटिफिकेशन है जिहड़ी टाइम नाल मिल सके। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले आप जो केमिकल फॉर्मूला पढ़ांगे वो है जी बुझिया होया चूना। इसका केमिकल नेम होंगे जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला होंगे CaOH2। किस तरह याद करांगे? ना की दिता जी बुझिया होया चूना, तो आपां बस चूने का जो केमिकल फॉर्मूला छोटा जहा वो याद रखना है। चूने का चूना यानी कि कली, इसका केमिकल नेम होंगे कैल्शियम ऑक्साइड, तो केमिकल फॉर्मूला की होंगे जी CaO। हाँ जी, जदों आप घर कली करते हैं तो की करते हैं, चूने आप ऐड करते होंगे, पानी ऐड करते होंगे, तो एक ही बन जाता है बुझिया होया चूना, जिमें डायग्राम दिता हुआ है उवें ही आप फॉर्मूले ऐड करने हैं। जिमें चूने का फॉर्मूला होंगे जी CaO, तो पानी का फॉर्मूला सारियां नूं याद हैगा H2O। तो हुण तुसीं ध्यान नाल वेखो, फस्ट फॉर्मूले विच भी ओ दिता होया ते सैकेंड विच भी ओ दिता है, यानी कि ओ किन्ने हो गए 2, ते पानी दे फॉर्मूले विच एच किन्ने दिते हुए ने, एच भी किन्ने हो गए 2। तो इहनूं आपां किस तरह लिखांगे? CA नूं बाहर ब्रैकेट विच OH ते बाहर इहदी जिहड़ी आपां 2 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे, की फॉर्मूला बन गया CaOH2। इस तरह आपां बुझिया होया चूना इसका केमिकल फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इहदा केमिकल नेम की हैगा जी? कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड। फिर तो रिपीट कर देने, चूने तो आप याद करना है, चूने आप ऐड करते होंगे पानी, तो इस तरह ही आप फॉर्मूला ऐड करना है, तो फॉर्मूला ऐड करने आप बन गया जी कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड, जिहड़ा कि केमिकल फॉर्मूला है बुझिया होया चूने का। हुण कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड जिहड़ा फॉर्मूला बनया है, जेकर इहदे विचों आप पानी बाहर निकाल दईए तो यह जिहड़ा फॉर्मूला बन जाएगा जी ब्लीचिंग पाउडर का। नैक्सट आप पढ़ते हैं किस तरह इस विचों पानी बाहर निकालने नाल नैक्सट फॉर्मूला अपने को तैयार हो जाएगा जी ब्लीचिंग पाउडर का। हाँ जी, नैक्सट जिहड़ा केमिकल फॉर्मूला है जी ब्लीचिंग पाउडर का, हमने आप पढ़िया बुझिया होया चूना जिहड़ा फॉर्मूला है सी CaOH2। इस तो आप किस तरह ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बना सकते हैं? इस विचों आप सिर्फ की करना जी पानी नूं बाहर निकालना। जो आप पानी बाहर निकालेंगे तो इस विच आपां नूं की ऐड करना पवेगा? क्लोरीन जिहड़ी ऐड करनी पवेगी। किस लई? पानी बाहर निकालने लई। जो आप क्लोरीन ऐड करते हैं की हुंदा है? CaOCl2 बन जाता है, तो प्लस जिहड़ा वाटर है वह बाहर निकल जाता है। किवें? तुसीं फॉर्मूले वेखो की फॉर्मूला है सी जिहड़ा बुझे हुए चूने का CaOH2। जो आप क्लोरीन ऐड करते हैं तो की है, इहदे विचों वाटर बाहर निकालांगे तो एक ओ जिहड़ा इत्थे बच जाएगा, तो फॉर्मूला की बन जाएगा? CaOCl2 तो प्लस वाटर। यह जिहड़ा फॉर्मूला बन के तैयार होया है यह हैगा जी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यह जिहड़ा फॉर्मूला बन गया अपने को ब्लीचिंग पाउडर का। इस तरह आप बुझे हुए चूने के फॉर्मूले तो ब्लीचिंग पाउडर का जिहड़ा फॉर्मूला आसानी नाल याद कर सकते हैं। नैक्सट फॉर्मूला करते हैं जी। हाँ जी, नैक्सट अपने को दो केमिकल फॉर्मूले ने। फस्ट दिता है जी कपड़े धोने वाला सोडा, तो सैकेंड है जी खाण वाला सोडा। इन दोवां फॉर्मूले विच काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होंदी है। किस तरह? इन्हां दे केमिकल नेम है जिहड़े लगभग सेम हैगे ने। फस्ट दा दिता जी सोडियम कार्बोनेट, तो खाण वाले सोडे का होंगे सोडियम बायकार्बोनेट। किस तरह याद करांगे? सब तो पहला खाण वाले सोडे का ही कर लें। जिवें तुसी किसे दे करे डिनर करन गए हो, तो डिनर करन तो बाद तुसी उन्हां की कहोगे जी? बाय बाय। इस तरह आपां इस नूं याद कर सकते हैं सोडियम बायकार्बोनेट। डायग्राम विच इस तरह ही मैं जिहड़ा बाय का सिंबल दिता होया सोडियम बायकार्बोनेट, इस तरह आपां याद कर सकते हैं। तो इहदा केमिकल जिहड़ा फॉर्मूला की हैगा जी NaHCO3। फस्ट वेखते हैं कपड़े धोण वाला सोडा। हाँ जी, जदों आपां कपड़े धोने तो आपां नूं ज़्यादा पानी की जरूरत होंदी है, इस नाल आपां ये जिहड़ा फॉर्मूला याद कर सकते हैं Na2CO3। तो इत्थे की दिता जी 10H2, यानी कि 10 बाल्टियां की जरूरत होंदी है कपड़े धोण लई। इस तरह आपां
ये दोवें फॉर्मूले जिहड़े ट्रिक दे नाल याद कर सकते हैं। फर्स्ट की दिता जी, दोबारा रिपीट कर देना, कपड़े धोण वाला सोडा। हाँ जी, कपड़े जदों आपां धोंदे हां तां ज़्यादा पानी की जरूरत होंदी है, तां इहदे विच फॉर्मूले विच की दिता होया 10H2O। सैकेंड की हैगा जी, खाण वाला सोडा। जदों आपां किसी दे घर खाणा खाण जांदे हां तां खाणा खाण तों बाद आपां की कहिंदे हां जी, बाय बाय, जांदे वारी बाय बाय कहिंदे हां। इस तरह आपां याद कर सकते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट, तो फॉर्मूला की हैगा जी, NaHCO3। नैक्सट फॉर्मूले वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट कैमिकल फॉर्मूला आता जी खाण वाले लूण का। यह तो वेरी ईजी हैगा जी, सारियां नूं भी पता हुंदा है खाण वाले लूण का जिहड़ा कैमिकल नेम हुंदा जी सोडियम क्लोराइड, ते इहदा कैमिकल फॉर्मूला हुंदा जी NaCl। नैक्सट दिता जी सिंदूर, या फिर इहदा सैकेंड नेम हैगा जी सिनेवार। कैमिकल फॉर्मूला हुंदा जी HgS, ते कैमिकल नेम हैगा जी मरक्यूरिक सल्फाइड। ट्रिक दे नाल कैसे याद करांगे HgS नूं, एच दे नाल हसबेंड, जी दे नाल गिब्स, तो इस दे नाल सिंदूर। की ट्रिक हैगी जी, हसबेंड गिब्स सिंदूर, इस दे नाल आपां सिंदूर दा जिहड़ा कैमिकल फॉर्मूला ईजीली याद कर सकते हैं HgS नूं। लास्ट दिता जी फिटकरी, या फिर इहनूं कहिंदे ने एलम। इहनूं आपां दो तरीके नाल याद कर सकते हैं। फस्ट तरीका की हैगा, फिटकरी की काम करती है जी, पानी नूं साफ करती है। तां फिटकरी ज़्यादा पानी नूं साफ करती है, तो फॉर्मूले विच भी जिहड़ा पानी की मात्रा किन्नी दित्ती हुई है 24H2, यानी कि ज़्यादा पानी दित्ता है। तो इस तरह आपां याद कर सकते हैं। सैकेंड की तरीका है जी, जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा फिटकड़ी का, वह सब तो वड्डा हुंदा। फिटकड़ी का फॉर्मूला सब तो वड्डा हुंदा है, ये इहदी सैकेंड ट्रिक है। इस दे नाल भी आपां याद कर सकते हैं। इहदे विच की हुंदा जी, पोटाशियम, एलमीनियम ते सल्फेट। हाँ जी, चलते हैं जी नैक्सट ट्रिक दे वल। हाँ जी, नैक्सट जिहड़ा आपां कैमिकल फॉर्मूला ट्रिक दे नाल याद करांगे वह हैगा जी टीयर गैस का, यानी कि अथरू गैस का। इस नूं आपां एक छोटी जी स्टोरी नाल याद करांगे। जिवें किसी क्लास का रिजल्ट आया होया है, तो उनका जिहड़ा रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लग्या होया, काफ़ी स्टूडेंट जाके रिजल्ट वेखते हैं। तो एक कुड़ी जिहड़ी आ डायग्राम विच दित्ती होई है, आ कहिंदी है कि मेरा भी रिजल्ट वेखो, तो मुंडा कहिंदा जी सी, तेरे नंबर किन्ने आए ने, दो नंबर आए ने। रिजल्ट विचों दो नंबर, यानी कि वह कुड़ी फेल हो जाती है, तो वह कुड़ी उच्ची उच्ची रोना स्टार्ट कर देती है, तो उनके अखों में जिहड़े अथरू आ जाते हैं। हुण आपां इस नाल किवें याद करांगे फॉर्मूले नूं। फॉर्मूला की दिता जी, CCl3NO2। इस नूं आपां इस तरह लिखना है, CC नूं एक साइड, L ते 3 नूं इकट्ठा लिखना है, NO नूं इकट्ठा लिखना है, ते 2 नूं आपां अलग लिखना है। CC दा मतलब CC, यानी कि देखो देखो। बाद च दिता जी L ते 3 दा आपां की बना देना, 13 तों तेरे, NO तों नंबर, यानी कि नंबर 2 तों 2। कि मुंडा की कहिंदा जी, तेरे नंबर किन्ने आए ने, रिजल्ट विच 2 आए ने। तो यह सुन के कुड़ी है जी उच्ची उच्ची रोना स्टार्ट कर देती है, तो उनके अखों में जिहड़े अथरू आ जाते हैं। इस तरह आपां जिहड़ी टीयर गैस नूं आसानी नाल याद कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला आपां ईजीली याद कर सकते हैं। तो इहदा कैमिकल जिहड़ा नेम हुंदा है, वह हुंदा जी क्लोरोपिक्रीन। उम्मीद करदा जी इस ट्रिक नाल तुहानूं इह फॉर्मूला जिहड़ा याद हो गया होगा। हाँ जी, वीडियो जेकर तुहानूं वधिया लग रही है तो वीडियो नूं लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो जी। नैक्सट ट्रिक वल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट आपां पढ़ांगे जी वाटर गैस ते उत्पादक गैस, यानी कि प्रोड्यूसर गैस। फस्ट हैगा जी वाटर गैस। वाटर गैस के नाल नाल तुहाडे माइंड च क्लिक होना चाहिए है वाटर का फॉर्मूला, यानी कि H2O। इस फॉर्मूला नाल आपां किवें याद करांगे, जदों ये वाटर का फॉर्मूला है, तुसीं मान लो इहदे विच जिहड़ा H2 हैगा वह फ्लो के नाल बाहर आ गया, यानी कि तैरता होया इस फॉर्मूले तो बाहर आ गया, तो पिछे की बचा जी ब्रैकट के अंदर O। हुण इस ब्रैकट नूं तुसीं एक साइड नूं तुसीं C बना देना इस तरह, तो एक साइड नूं विचारों एवें कट करके प्लस का निशान बना देना, जिवें आ डायग्राम विच दित्ता होया। तो आ की बन जाएगा जी CO+H2। आ अपना फॉर्मूला बन गया जी वाटर गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आपां जदों ऐड करांगे तां की बन जाएगा वाटर गैस। फिर तो रिपीट कर देने, वाटर गैस के नाल नाल तुहाडे माइंड विच क्लिक होना चाहिए है वाटर का फॉर्मूला H2O। जिवें आ फॉर्मूला दिता है, मान लो इहदे विचों H2 जिहड़ा फ्लो करके बाहर आ गया, पानी विचों तैर के जिहड़ा H2 बाहर आ गया, पिछे की बचिया ब्रैकट के अंदर O। हुण एक साइड की ब्रैकट नूं तुसीं सी बना दो, तो एक साइड की जिहड़ी ब्रैकट है इहनूं तुसीं विचारों एवें कट करके प्लस का निशान बना दो, तो की बन जाएगा CO+H2। इस दे नाल की फॉर्मूला बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अपना वाटर गैस का फॉर्मूला इस तरह आपां याद कर सकते हैं। तो उत्पादक गैस का फॉर्मूला हुंदा जी CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। हाँ जी, चलते हैं नैक्सट फॉर्मूले वाल। हाँ जी, नैक्सट आपां पढ़ांगे हसन वाली गैस का कैमिकल फॉर्मूला। हाँ जी, इहदा कैमिकल फॉर्मूला हुंदा जी N2O, ते इहदा कैमिकल नेम हैगा जी
ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਭਰ ਕੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਖਾੜ ਦਿੰਦਾ ਅੱਖ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਐਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫੋਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, N2O। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਐਨ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਫੋਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, N2O। ਇਹਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦਾ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਮੂਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਿਪਸਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫੋਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, CaSO4 2H2O, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਪਸਮ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੀਪ ਅਤੇ ਸਮ। ਹੁਣ ਜੀਪ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀਪ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਜੀਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਕੇਸ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਵਰਡ ਤੋਂ 2 ਵਰਡ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸਲਫੇਟ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ CA, ਅਤੇ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ SO4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮ, ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 2H2O। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀਪ ਅਤੇ ਸਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੀਪ ਵਰਡ ਨਾਲ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀਪ ਦਾ, ਜੀਪ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੇਸ। ਕੇਸ ਵਰਡ ਤੋਂ 2 ਨਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਸਲਫੇਟ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ CA, ਅਤੇ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ SO4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2H2O, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮ, ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 2, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 2H2O। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਫੋਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਰਮੂਲਾ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੋਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ POP ਦਾ, ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮੂਲੇ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ CaSO4 2H2O। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 120 ਤੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਹਾਫ਼। ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 2 ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਹਾਫ਼ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ। ਅਤੇ ਫੋਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ CaSO4, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ, ਹਾਫ਼ H2O। ਇਹ ਫੋਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ POP ਦਾ, ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਪਸਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕੁਝ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫੋਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ CaSO4 ½ H2O। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕੈਮੀਕਲ ਫੋਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਪਸਮ ਦਾ CaSO4 2H2O, ਜਿਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਕੋਪਰ ਸਲਫੇਟ, ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫੋਰਮੂਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ CaSO4 5H2O। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫੋਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫੋਰਮੂਲੇ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ 'ਚ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 2H2O, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮੂਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ 5H2O। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ CaSO4 2H2O। ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀਪ ਅਤੇ ਸਮ। ਜੀਪ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਸ, ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਰਡ ਯਾਦ ਹੋਏ ਸੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਸਲਫੇਟ, ਅਤੇ ਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 2। ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ 2 ਐਡ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ CaSO4 2H2O। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਵੱਲ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਰਮੂਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन दिता हुआ है, कपड़े धोण वाले सोटे का रसायणिक सूत्र दसो। आप ट्रिक दे नाल याद किया हुआ सी कि कपड़े धोण लई जिहड़ी पानी की मात्रा है, जिहड़ी वाटर की मात्रा वो ज़्यादा होनी चाहिए है। हुण चार ऑप्शन दिते हुए ने, फर्स्ट है एन ए ओ एच, सैकेंड दिता जी एन ए सी ओ थ्री टेन एच टू ओ, थर्ड दिता जी एन ए एच सी ओ थ्री, तो फोर्थ है एन ए सी एल। हाँ जी, करैक्ट आंसर कहड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इहदे विच जिहड़ी पानी की मात्रा हैगी है ज़्यादा हैगी है, टेन एच टू हैगा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन की दिता हुआ है, साधारण नमक का रसायणिक नाम दसो। साडे कोल चार ऑप्शन ने, फर्स्ट दिता है एम्यूनियम कलराइड, सैकेंड दिता जी पोटाशियम कलराइड, थर्ड है सोडियम कलराइड, तो फोर्थ दिता है कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी, इनका करैक्ट आंसर कहड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सोडियम कलराइड। फॉर्मूला की होंगे जी एन ए सी एल। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, सिंदूर का रसायणिक सूत्र दसो। साडे कोल चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप किवें ट्रिक दे नाल याद किया सिंदूर का रसायणिक सूत्र, हसबेंड गिवस सिंदूर, तो इसका फस्ट ऑप्शन है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा एच जी एस। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, पी ओ पी का रसायणिक सूत्र दसो, यानी कि प्लास्टर ऑफ पैरिस का रसायणिक सूत्र दसो। आप की किया जिप्सम जो हीट किया तो उनका पानी जिहड़ा किन्ना रह गया सी, पानी की मात्रा हाफ रह गई थी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन्हां विचों करैक्ट आंसर कहड़ा हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर थर्ड, सी एस ओ फोर हाफ एच टू ओ। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन की दिता हुआ है, हसन वाली गैस का रसायणिक सूत्र दसो। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसनों आप किस तरह ट्रिक दे नाल याद किया कि एक बेबी को एक खिडौना हों जिहड़ा कि चाबी नाल चलता है तो वह हसन लग जाता है, तो वह बेबी की करता जी खेडता खेडता हुआ हों, एक अख जी पुट देता है, इस तरह खिडौना बनाया सी, तो इन अख की थान पर की ला दिता जी अंग्रेजी का अखर एन, वो खिडौना इतने ला दिता जी, इस तरह की फॉर्मूला बन गया सी एन टू ओ। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो करैक्ट आंसर की हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन की दिता है, अथरू गैस का रसायणिक सूत्र दसो। इस आप किस तरह ट्रिक दे नाल याद किया कि वह कुड़ी जी रोन लग जाती है अपना रिजल्ट वेख के, तो उनकी अखों में अथरू आ जाते हैं, कि जदों मुंडा की कहता जी रिजल्ट वेख के कि सी तेरे नंबर किन्ने आए ने, दो नंबर आए ने, तो इस क्वेश्चन का जरा कि ऑप्शन फस्ट जरा करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, वाटर गैस का रसायणिक सूत्र लिखो। हाँ जी, वाटर गैस तो अपने माइंड से की क्लिक होना चाहिए, वाटर का फॉर्मूला एच टू ओ, इन आप एच न बाहर कट दिता से इस तरह, ये बाकी की बच गया सी ब्रैकट से ओ। हुण एक ब्रैकट नूं आपां सी बनाती सी, ते दूजी ब्रैकट नूं आपां प्लस का निशान बनाता सी, ते बाहर की हैगा सी एच टू, ते की फॉर्मूला बन गया सी सी ओ एच टू। तो इस क्वेश्चन का फस्ट ऑप्शन है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, वाटर गैस का फॉर्मूला की होंदा है सी ओ प्लस एच टू। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन की हैगा जी, जिप्सम का रसायणिक सूत्र दसो। अपने कोल चार ऑप्शन ने, इसनों आपां किस तरह टिक दे नाल याद किया सी, जिप्सम वर्ड नूं अलग किया सी जीप ते सम नूं, जीप जदों चोरी हो गई सी ते आपां की कीता सी केस, केस दे नाल की याद सी कैल्शियम ते सल्फेट, ते सम तों दो, यानी कि पानी की मात्रा किन्नी हैगी सी दो, टू एच टू ओ। ते किहड़ा ऑप्शन जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, सी ए एस ओ फोर टू एच टू ओ, थर्ड ऑप्शन जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, खाण वाले सोडे का रसायणिक नाम दसो। खाण वाले सोडे का रसायणिक नाम, चार ऑप्शन दिए हुए ने, ट्रिक दे नाल किवें याद किया सी कि जिवें तुसीं किसी के घर डिनर करन जांदे हो, डिनर करन तो बाद आपां की कहिंदे आ जी बाय, तो इसका करैक्ट आंसर कहड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सोडियम बाय कार्बोनेट। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी, नीला थोथा की है। जी, नीला थोथा की होंगे जी, कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। तो इनका फॉर्मूला की होंगे जी, सी ए एस ओ फोर, सी ए एस ओ फोर ते फाइव एच टू ओ, इनका केमिकल फॉर्मूला होंगे जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता है, फिटकरी यानी कि एलम का रसायणिक सूत्र दसो। फिटकरी नूं आपां दो ट्रिक दे नाल याद किया सी, एक तां सब तो ज़्यादा जिहड़ा पानी साफ करती है, तो दूजा ट्रिक की हैगा सी कि इहदा जिहड़ा फॉर्मूला सब तो वड्डा हुंदा है, तां तुहानूं चार ऑप्शन च दिखाई दे रहा है, ऑप्शन फोर है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, अज्ज दा लास्ट क्वेश्चन हैगा, सोडियम धात नूं डैश विच डुबो के रख्या जांदा है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं,
पानी विच, हवा विच, अमोनिया विच ते फोर्स दिता है मिट्टी के तेल विच। ता सोडियम धात नूं किंदे विच डबो के रखा जाता जी, मिट्टी के तेल विच। ये आप ट्रिक दे नाल याद नहीं किया पर क्वेश्चन इंपोर्टेंट सी इसलिए मैं ऐड करता। हाँ जी आज दी वीडियो इत्थे समाप्त करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक करो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के नाल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जिथे भी तुसी कर सकते हो ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियो नूं शेयर करना है। तो अज की वीडियो की PDF तुहानूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। जेकर तुसी साडा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो साडा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिता हो जी @itsGKGuruji, इस पर जाके तुसी साडा टेलीग्राम चैनल जिहड़ा ज्वाइन कर सकते हो। तो जेकर तुसी चैनल पर फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो, फस्ट टाइम साडी वीडियो वेख रहे हो तो चैनल जरूर सबसक्राइब करो, तो नाल लगे बैल आइकन भी प्रेस करना। बैल आइकन प्रेस करोगे तो इतने 3 ऑप्शन आएंगे, इन्हां विच तुसी ऑल ते क्लिक करना है तां जो तुहानूं साडी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन है जिहड़ी टाइम नाल मिलती रहे। हाँ जी मिलते हैं नैक्सट वीडियो से, उदों तक के लिए टेक केयर।